बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। सत्ताईस अक्टूबर को भाजपा के निकाले गए मोर्चे पर पालक मंत्री नितिन राउत का फूटा गुस्सा। नागपुर के गांधीबाग उद्यान में मिनी एसटीपी प्रकल्प का महापौर ने किया उद्घाटन। और शहर में वाहन चोरी करने वाला कुख्यात आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। 27 अक्टूबर को भाजपा द्वारा संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय पर महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला गया था, जिसमें रमाई आवास योजना के लाभार्थियों को 40 करोड़ अनुदान देने की मांग की गई थी। इस मोर्चे में करीब 60 बसेस में भरकर सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। इसलिए पालक मंत्री नितिन राउत ने चिढ़कर एनएमसी के एडिशनल कमिश्नर मीणा के अधीनस्थ काम करने वाले दो अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भेजा। इस घटना का भाजपा ने निषेध किया है। 27 अक्टूबरला भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं संविधान चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत रमाई आवास योजनेतल्या 3064 लाभार्थ्यांना 40 करोड़ रुपयाचं अनुदान ह्या सरकारनं द्यावं, महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारनं ह्या मागणीसाठी आम्ही हा मोर्चा नेला होता। या मोर्चामध्ये जवळपास विविध ठिकाणून 60 बसेसमध्ये अंध वृद्ध निराधार अशा पद्धतीचे लोक या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी आले होते आणि त्यामुळं हा मोर्चा मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाला आणि त्यामुळं चिडून जाऊन या शहर आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नितीनजी राऊत यांनी या महानगरपालिकेचे ॲडिशनल कमिशनर श्री मीना यांना हाताशी धरून थेट त्यांच्या अधीनस्थ प्रशासनातल्या दोन अधिकाऱ्यांना शोकॉज नोटीस जनरेट केली, जे अत्यंत चुकीचं आहे। मुद्द्यापासून पळवाटा शोधण्याचा प्रकार आहे, त्यामुळं रमाई आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांचं नुकसान करण्याचं आणि नागपूर शहरातल्या लोकांचं लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न आणि प्रकार श्री मीना ॲडिशनल कमिशनर नागपूर महानगरपालिका यांनी केलेला आहे। या घटनेचं मी थेट अत्यंत कटु आणि कठोर शब्दात भारतीय जनता पक्षाचा नगरसेवक या नात्यानं निंदा करतो। त्याचप्रमाणे श्री मीना यांनी नियमबाह्यपणे त्यांच्या महानगरपालिकेनं त्यांना दिलेली MH-31BZ317 ही गाडी 18/9/2021 माननीय आयुक्तांच्या परवानगीच्या शिवाय गोंदियाला ती गाडी घेऊन गेले। एवढंच नाही तर चालकाने जेव्हा त्यांना याची परवानगी मागितली तेव्हा त्या चालकाला त्यांनी घरी बसवण्याचं देखील काम केलं। एवढंच नव्हे तर त्यांनी महानगरपालिकेत रुजू झाल्यानंतर त्यांनी त्यांचा कक्ष त्याचा वातानुकूलित केला, सुशोभीकरण केलं, या सगळ्या गोष्टींवर लक्षावधी रुपयापेक्षा जास्त रुपयांचा खर्च त्यांनी केलेला आहे। जे स्वतः अनियमितता करतात त्यांनी नियमांच्या गोष्टी कोणत्याही पद्धतीनं दुसऱ्यांकडे बोट दाखवावं हे काही समजण्यासारखं नाही आणि त्यामुळं महानगरपालिकेमध्ये कोणत्याही पद्धतीचा असा MOU करारनामा नियम किंवा अटी शर्तींचा करारनामा झालेला नसताना या बसेस पॉलिटिकल कामासाठी देता येत नाही किंवा कोणत्याही सामाजिक कार्यासाठी देता येतात अशा पद्धतीचं लेखी पत्र आपल्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांना देणं हे अत्यंत निषेधार्ह आहे। या सर्व कृत्यांचा कटु आणि काळ्या कृत्यांचा श्री मीना यांचा कठोर शब्दात मी निंदा करतो आणि आपल्या माध्यमातून चितविचितो की या स्वायत्त असलेल्या नागपूर महानगरपालिकेमध्ये अशा कोणत्याही पद्धतीचं कृत्य तुम्ही करणार असाल तर आम्ही ते कोणत्याही पद्धतीनं खपवून घेणार नाही। नागपुर मनपा के सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा मिनी एसटीपी प्रकल्प शुरू किया गया। इसका उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों किया गया। नागपुर के गांधीबाग उद्यान में मनपा के सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा मिनी एसटीपी प्रकल्प शुरू किया गया। इसका उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों किया गया। इस दौरान कर्मचारी समेत अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस प्रकल्प शुरू होने से वेस्टेज पानी का फिर से इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पानी की बचत होगी। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हमने एक प्रकल्प आयोजित किया, जिस प्रकल्प के अंतर्गत देश में नागपुर महानगर पालिका अकेली ऐसी महानगर पालिका बनी जिसने एक साथ अपने 14 बगीचों में जो नालों से गंदा पानी बह करके जाता है
उस पानी को शुद्ध करके उसका बगीचे की सिंचाई के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से महानगर पालिका को बहुत बड़ा फायदा हुआ। एक तो बगीचे में हम लोग कुएं का पानी या बोरवेल का पानी वापरते थे, उस ग्राउंड वाटर की हमारी बचत हुई और यह जो गंदा पानी बह करके नाग नदी में और बाकी जगह जाता था और फिर आगे बढ़ता था, वह पानी ट्रीटमेंट होकर के यहाँ पर हमने वापरना प्रारंभ किया। इसके कारण नागपुर शहर को इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली और देश के नक्शे पर अकेला ऐसा शहर रहा जिसने एक साथ 14 बगीचों में इस काम की शुरुआत करी। इसकी पार्श्वभूमि ऐसी है कि मैं 2012-13 में स्थायी समिति का अध्यक्ष था। उस समय मेरे पश्चात अविनाश जी ठाकरे 13-14 में स्थायी समिति के अध्यक्ष बने। इसी कंपनी का एक प्लांट हमने आए दिन नागपुर शहर में वाहन चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है। वहीं तहसील पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही आरोपी के पास से चोरी की गाड़ियां भी जब्त की गई। नागपुर शहर में वाहन चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है। कई इलाकों से अब तक सैकड़ों गाड़ियां चोरी हो चुकी है। वहीं सेंधमारी, वाहन चोरी जैसे अपराधों को अंजाम देने वाले एक कुख्यात आरोपी को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 1,62,000 का माल समेत चोरी के गाड़ियां जब्त की। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने जानकारी दी। दिनांक 22/10/21 को रात को हमारे नेतृत्व में PIRD FIR बाकुल और स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहा था, तब पहलवानशाह दरगाह गाइडलाइन के पास डकैती के लिए कुछ लोग बैठे थे और उनको 4 हिरासत में लिए थे और एक भग्या था जिसका नाम संजोग लीलाधर भोले, उम्र 21 साल, टिमकी कुलबा स्वामी वास्तानी के पास, ये उस टाइम भग गया था। उनके ऊपर पुलिस स्टेशन तहसील में दिनांक 22/10/21 को अपराध नंबर 920/21 कलम 399(4)(2) IPC रजिस्टर हुआ था। उसको सर्च करते वक्त हेड कॉन्स्टेबल लक्ष्मण सिंडे उनके पतक को कल संजोग लीलाधर भोले मिल गया। उसको पुलिस में लाके उसको उस गुंडे में अरेस्ट करके पूछताछ की तो उसके पास से मोटरसाइकिल चोरी के 4 गुंडे डिटेक्ट हो गए, जिसमें 4 मोटरसाइकिल्स उसके तरफ से जब्त की गई और घरपोड़ी का 1 गुंडा डिटेक्ट हो गया और इधर चोरी के 3 गुंडे, ऐसे कुल मिला के 8 गुंडे उसके पास से डिटेक्ट हो गए। उसमें से मोटरसाइकिल के 4 बोरी में 4 मोटरसाइकिल और 399/402 में जो उसने मोटरसाइकिल यूज किया था, इस प्रकार 5 मोटरसाइकिल उसके पास से जब्त किए और चोरी घरपोड़ी में जो कैश वगैरह जितना सामान था वो जब्त किया। इस प्रकार आरोपी संजोग लीलाधर भोले इसके पास से 1,62,000 रुपये का माल अभी तक रिकवर हुआ है। संजोग लीलाधर भोले ये पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड का गुनहगार है, उसके रूप से कम 15-20 गुने रजिस्टर्ड है। विशेषता पुलिस स्टेशन तहसील पाचपावली गणेशपेट लखड़गंज में इसके ऊपर अलग अलग हेड पे गुन्हे दाखिल हैं। अभी पुलिस को विद्यमान कोर्ट में पुटअप करके पुलिस आरोपी को विद्यमान कोर्ट में पुटअप करके उससे पूछताछ करेंगी। हमें और होप है कि इसमें और गुन्हे डिटेक्ट होने के चांसेस हैं। पिछले कुछ दिनों से वर्धा में SC कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों के लिए अनशन पर बैठे हैं। SC कर्मचारियों के अनशन को संभाजी ब्रिगेड ने समर्थन दिया, वही कर्मचारियों की सभी समस्या जानी। अनिल परब होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, अनिल परब होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ। पिछले कुछ दिनों से रामनगर में बस डिपो के सामने ST कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों के लिए अनशन पर बैठे हैं। सोमवार को संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने अनशन मंडप में जाकर उनसे मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्या जानी और कर्मचारियों के अनशन को पूरा समर्थन किया। साथ ही कर्मचारियों की मांगे सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन भी संभाजी ब्रिगेड के प्रदेश संगठक तुषार उमाले ने दिया। आमची शासनाला माननीय उद्धवजी ठाकरे यांना एवढीच विनंती आहे की जे लाखोचे पगार घेऊन राहिले त्यांची पगारवाढवर पगारवाढ होत आहे आणि आम्ही एवढी कमी पगारात असून सुद्धा आमच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही आहे, म्हणून हात जोडून त्यांना विनंती आहे की आमची एवढी मागणी त्यांनी पूर्ण करावी आणि एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे। ST महामंडळाचे कर्मचारी मागच्या 5 दिवसापासून महाराष्ट्रामध्ये धरण्यावर बसलेले आहे आणि जी सर्वसामान्य जनतेची लालपरी आहे तिचे चाकास थांबलेले आहे 5 दिवस झाले आणि म्हणून आम्ही संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने वर्ध्यातील रामनगर येथील आगारामध्ये च्या समोर सुरू असलेले आंदोलन आम्ही पाठिंबा देण्यासाठी आलेलो आहे। आम्ही पाठिंबाच नाही तर पूर्ण सक्रिय मदत या आंदोलनामध्ये जी लागेल ती सर्व प्रामाणिकपणे करायला तयार आहे। पण राज्य शासनाला आमचा एक छोटासा प्रश्न असा आहे की
तुमचे राज्य शासनाचे जे काही कर्मचारी आहेत आम्हाला काही नाव घ्यायचं नाही। ज्या कर्मचाऱ्यांना तुम्ही आधी 70,000 पगार देता, 80,000 पगार देता, लाख रुपये पगार देता, तुमचे काही काही कर्मचारी असे आहेत की ज्यांना तुम्ही आत्ता 1.5 लाख रुपये पगार देत होता। 1.5 लाख रुपये पगार असणाऱ्या कामगारांचे घर चालत नव्हते काय माननीय मुख्यमंत्री महोदय? हा तुम्हाला एक साधा प्रश्न आहे। आणि मग 1.5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 70,000 रुपये तुमच्या कर्मचाऱ्यांना पगार असताना तुम्ही आता पुन्हा त्यांची पगार वाढ केलेली आहे, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की एखाद्या माणसाला रोज तुम्ही गुलाबजामून खाऊ घालता, रोज त्याला बासुंदी खाऊ घालता, त्याचं पोट आता भरलेला आहे, तो आता ओकारा करतोय, आणि तुम्ही त्याला म्हणता अजून पुरणपोळी कसा घे, त्याच्या तोंडामध्ये तुम्ही पुरणपोळी ठुसता, हे चुकीचं धोरण आहे। वर्धा बाजार समिति का ठोका, सब्जी बाजार पुराने जगह पर ही स्थलांतरित करने की मांग शिवसेना ने की है। 7 दिन के अंदर निर्णय लिया जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन करने का इशारा शिवसेना ने किया है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बाजार चौक में भरने वाला सब्जी भाजी बाजार, बाजार समिति के मुख्य यार्ड पर यानी कृषि उत्पन्न बाजार समिति वर्धा में स्थानांतर किया गया था। बाजार समिति के मुख्य यार्ड पर समिति का धान्य बाजार नियमित रूप से भर रहा है। नया हंगाम शुरू होने से आवक बढ़ गई है। वही स्थानांतरित किया हुआ सब्जी भाजी बाजार मुख्य यार्ड पर ही लग रहा है, जिस कारण किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए वर्धा बाजार समिति का ठोक सब्जी बाजार पुराने जगह पर ही स्थलांतरित करने की मांग शिवसेना ने की है। 7 दिन के अंदर निर्णय लिया जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन करने का इशारा शिवसेना ने किया है। वर्धा जिल्ह्यात तसेच संपूर्ण देशात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव फार झपाट्याने झाला होता, आणि त्याचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सरकारने आपल्या सरकारने काही नियम लादले होते। त्या नियमाच्या अंतर्गत वर्धा येथे SDO कार्यालयामार्फत जेवढे काही भाजी विक्रेते आहे, जसे उदाहरणार्थ महात्मा फुले भाजी मंडी बजाज चौक, येथील भाजी बाजार हटवून तो कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दुसऱ्या यार्डवर काही कालावधीकरता स्थानांतरित करण्यात आला होता, काही कालावधीकरिता। त्यामुळे आता मग आता हंगाम आला आहे शेतीचा, संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या यार्डावर आपलं सोयाबीन म्हणा, तूर म्हणा, गहू म्हणा, कापूस म्हणा, सर्व आपलं माल विक्रीसाठी घेऊन येतात। अशा परिस्थितीत आता तिथे जो स्थायिक जो कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये काही कालावधीकरिता भाजी मार्केट स्थलांतरित करण्यात आलं होतं, तर त्या काही भाजी विक्रेत्यांनी तिथे जे शेड आहे त्याच्यामध्ये आपली दुकाने थाटली होती, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल ठेवण्याकरिता कुठेही जागा शिल्लक नव्हती। अशा काळामध्ये जर एखादा अवकाळी पाऊस आला असता शेतकऱ्यांचं बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असतं अशा परिस्थितीत। आणि काही शेतकऱ्यांनी आमच्यापर्यंत येऊन त्यांची मागणी रेटली की बा वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वर्गीय बाबूजी अरुण लक्ष्मण राव थुल, इनके प्रथम स्मृति दिन पर जिला प्राधिकरण और युवा करियर द्वारा स्कूली छात्रों को मुफ्त किताबें बांटी गई, वहीं कोविड योद्धाओं का सत्कार भी किया गया। जिला विधि सेवा प्राधिकरण व युवा करियर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में नवीन चंद्र रेड्डी ने कहा कि कोरोना काल में जिन लोगों के ऊपर से माता पिता का साया हट गया था, उनके लिए जिला विधि सेवा प्राधिकरण व युवा करियर ने मिलकर जो उपक्रम हाथ में लिया वह समाज के सामने सकारात्मक परिणाम सामने ला रहा है। स्वर्गीय बाबूजी अरुण लक्ष्मण राव थुल के प्रथम स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। इसमें नर्सरी से ग्रेजुएशन के कुल 40 विद्यार्थी व 10 विद्यार्थी गंगा जमुना से शेल्टर होम में रहे थे, उन्हें पुस्तकें बांटी गई। कोरोना काल में निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाले डॉक्टर का कोविड योद्धा के रूप में सत्कार किया गया।
सत्कार मूर्ति डॉक्टर संदीप शिंदे, डॉक्टर कुश झुंझुनवाला, डॉक्टर प्रसन्ना मून, डॉक्टर शीतल उमरे, डॉक्टर समीक्षा मून को सम्मान चिन्ह वितरित किए गए। धर्मपेट निवासी पीयूष मड़के को लोक सेवा आयोग की परीक्षा में देश में 723वीं रैंक आने पर भी उन्हें भी सम्मानित किया गया। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सभी विद्यार्थियों को हिम्मत हारे बिना शिक्षा लेने का आह्वान किया। पूर्व न्यायाधीश सीएल थुल ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना काल में माता पिता गंवाने वाले बच्चों को 5 लाख तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 50,000 रुपए की मदद जल्द पहुंचाने और योजना की जानकारी सभी तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। न्यायमूर्ति देशमुख ने कहा कि पालक गंवाने वाले बच्चों को जिला विधि प्राधिकरण मुफ्त न्यायिक सुविधा उपलब्ध करा रहा है। जिला महिला व बाल कल्याण के निरीक्षक पठान मोनाल थुल, न्यायाधीश सीएल थुल अध्यक्ष, अनुसूचित जाति व जमाति आयोग अमितेश कुमार पुलिस आयुक्त, न्यायाधीश अभिजीत देशमुख सचिव, जिला विधि सेवा प्राधिकरण नवीन चंद्र रेड्डी अपर पुलिस आयुक्त, अनुप कुमरे अधीक्षक, नागपुर मध्यवर्ती कारागृह डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण, थोरात अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, पठान निरीक्षक जिला महिला व बाल कल्याण, नितिन गजबीय सचिव, अहिल्याबाई होलकर शिक्षण संस्था व आयोजक मोनाल थुल आदि उपस्थित थे। संचालन बादलराज श्रीरामे ने किया, आभार नितिन गजबीय ने माना। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ईडी के छापेमारी मामले में बताया कि उन्होंने ईडी को हमेशा ही कार्रवाई में सहयोग किया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि ईडी ने उनके समक्ष पेश होने का समन भेजा था, लेकिन अनिल देशमुख ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका का परिणाम आने पर ही ईडी के समक्ष पेश होने की बात उन्होंने बताई। साथ ही कहा कि मीडिया में उनके खिलाफ गलत अफवाह फैलाई गई थी कि वे कार्रवाई में समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने और उनके परिवार ने ईडी को पूरा समर्थन किया। नमस्कार, मैं अनिल देशमुख बोलता है। मला जेव्हा ईडीचा समन्स आला त्यावेळेस मी ईडीला सहकार्य करत नाही अशा प्रकारच्या चुकीच्या बातम्या वर्तमानपत्रामध्ये प्रसारमाध्यमामध्ये आल्या। मी आपल्याला सांगू इच्छितो की ज्या ज्या वेळेस मला ईडीचा समन्स आला त्यावेळेस मी त्यांना कळविले की माझी याचिका हायकोर्टामध्ये आहे, त्याची सुनवाई चालू आहे, मी सुप्रीम कोर्टात सुद्धा याचिका दाखल केलेली आहे। त्याचा निकाल आल्यानंतर मी स्वतः ईडीच्या ऑफिसमध्ये येईल। ईडीने जेव्हा आमच्या सर्व घरावर छापे टाकले तेव्हा मी माझ्या परिवाराने, माझ्या सहकाऱ्यांनी, सर्वांनी, माझे कर्मचारी आहेत त्यांनी सर्वांनी त्यांना सहकार्य। अस्पताल में थूक कर गंदगी फैलाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए एम्स प्रशासन ने मरीजों के रिश्तेदारों से कुल 475 खर्रे की पुड़िया, 3 शराब की बोतल जब्त की। इतने बड़े पैमाने पर तंबाकू जन्य पदार्थ मिलने से अस्पताल प्रशासन भी हैरत में है। अस्पताल में थूक कर गंदगी फैलाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए एम्स प्रशासन ने मरीजों के रिश्तेदारों से कुल 475 खर्रे की पुड़िया, 3 शराब की बोतल जब्त की। इतने बड़े पैमाने पर तंबाकू जन्य पदार्थ मिलने से अस्पताल प्रशासन भी हैरत में है। नागपुर के एम्स अस्पताल में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां भर्ती मरीजों के परिजनों से 475 खर्रे की पुड़िया बरामद की गई है, जबकि कुछ शराब की बोतलें भी एम्स जैसे अस्पताल में पाई गई है। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष श्रीगिरिवार ने अस्पताल के गार्ड को प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की जांच कर उनके पास से खर्रा, तंबाकू, सिगरेट मिलने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे। एम्स की संचालक मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता ने बताया कि 25 से 29 अक्टूबर के बीच 475 खर्रा, 3 देसी शराब की बोतल, 40 चूने की डिब्बी, 37 बीड़ी के पैकेट, 85 तंबाकू की पुड़िया, 23 पान मसाला आदि जब्त किया गया। शनिवार को वरिष्ठ डॉक्टरों की मौजूदगी में जब्त सामग्री को नष्ट किया गया। ज्ञात हो कि तंबाकू से कैंसर जैसी बीमारी होती है, ये सभी को पता है, बावजूद इसका सेवन भारी मात्रा में एक चिंता का विषय है। ऐसे में एम्स जैसे अस्पताल में भी लोग इसे खाने से नहीं कतराते, जिस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस उपाय योजना की आवश्यकता है। विदर्भ में शनिवार को भी नागपुर और यवतमाल सबसे ठंडा रहा। इन दोनों शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया। नागपुर में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री चढ़ा, पर सामान्य से 3 डिग्री कम होने की वजह से रात में ठंड की अनुभूति होती रही। विदर्भ में शनिवार को भी नागपुर और यवतमाल सबसे ठंडा रहा। इन दोनों शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया। नागपुर में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री चढ़ा, पर सामान्य से 3 डिग्री कम होने की वजह से रात में ठंड की अनुभूति होती रही। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों तक शहर का तापमान इसी स्तर पर बना रहेगा। वातावरण शुष्क होने की वजह से पारा गिरा रहा है। नवंबर के शुरुआती सप्ताह में पारा सामान्य स्तर पर बना रहेगा।
नवंबर मध्य के बाद फिर से पारे में गिरावट का दौर शुरू होगा। नागपुर में दिन का तापमान 32 डिग्री के साथ सामान्य स्तर पर बना हुआ है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।